दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है, लेकिन क्या ये बहुसांस्कृतिक रूप हमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे लीडरशिप में दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जुलाई 2016 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी बारे में हमने विस्तार से बातचीत करने के लिए बुलाया नीति विशेषज्ञ उस्मान डब्ल्यू चौहान को। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। मुझे फिर से बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित साहब। उस्मान जी, अब तक तो आपने AHRC की 2016 की ये लीडरशिप डाइवर्सिटी पे जो रिपोर्ट है आपने देखी ली होगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीनियर लेवल पे लीडरशिप में डाइवर्सिटी क्यों दिखाई नहीं देती है, विभिन्नता क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है अमित साहब। दर हकीकत हम देखते हैं कि ये एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो है, लेकिन जब आप चलते हैं किसी महकमे में या किसी गवर्नमेंट के अहम जगह पे या प्राइवेट कॉरपोरेशंस में, तो ऊंचे तबके पे आपको नजर आता है कि हमारे माइनॉरिटीज जो हैं उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। और ये एक बायस फिकर है, क्योंकि जो अहम फैसले होते हैं वो इस ऊंचे तबके पे ही किए जाते हैं, तो उसमें माइनॉरिटीज की इनपुट बहुत कम होती है। अगर आप देखें तो प्राइवेट कंपनीज ASX इंडेक्स में जो 200 कंपनीज हैं, उनमें यूरोपियन जो हैं और एंग्लो सैक्सन वगैरह मिला के 95% हैं जी। तो सिर्फ 5% जो हैं वो नॉन यूरोपियन हैं। और ये तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, लेकिन अगर आप आपके विफाकी महकमे देखें, फेडरल एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज, उसमें तो सिफर फीसद प्रेजेंस है माइनॉरिटीज की। मैं इसमें इंडिजिनस लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इमिग्रेंट्स वगैरह की एथनिक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप पार्लियामानी शोबों में देखें, फेडरल पार्लियामेंट में, तो वहां पर सिर्फ 4% है जी। तो आप कह लें कि 96% जो है वो यूरोपियन है या उनमें 2% इंडिजिनस है। और उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें जी, तो अभी हमारे एक वाइस चांसलर हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं और वो भी कनाडा से ही आए थे जी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में हैं जी। इनके अलावा वहाँ कोई भी प्रेजेंस नहीं है, कोई भी हाजिरी नहीं है माइनॉरिटीज की। तो इन अहम शोबों में, प्राइवेट सेक्टर, सियासत, विफाकी महकमे और यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर बिल्कुल कोई प्रेजेंस नहीं है तकरीबन माइनॉरिटीज की, और ये मेरे लिए बायस फिकर है जी। अगर प्रेजेंस है भी तो आप हाथ पे गिन सकते हैं इन लोगों को। लेकिन जहां तक मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसांस्कृतिकवाद की बात करें, तो उसको एज अ सोशो कल्चरल बेनिफिट के तौर पे ज्यादा देखा जाता है। आपको लगता है कि उसके सोशो कल्चरल के अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इस विभिन्नता के? बेशक, हम आमतौर पर सिर्फ सोशियो कल्चरल या मॉरल बेसिस पे कहते हैं कि ये इखलाकी बुनियाद पे एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ इन कंपनीज को और इन इदारों को इस तरह से बताना चाहिए कि इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं और एफिशिएंसी के भी बेनिफिट्स होते हैं, और बड़े सख्त बेनिफिट्स होते हैं, काफी आला तबके के होते हैं। जैसे कि आप देखें तो जेंडर डाइवर्सिटी के लिए जो कंपनीज ज्यादा जेंडर डाइवर्सिटी को अपनाती हैं, उनकी तकरीबन 15% जायद परफॉर्मेंस बेहतर होती है फोर्थ यानी लोअर क्वार्टाइल के मुकाबले में। यानी जो बेहतर परफॉर्म करती हैं उनकी जेंडर इक्वालिटी तकरीबन 15% ज्यादा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी ट्रांसलेट होती है। और ये तो सिर्फ जेंडर है, अगर आप एथनिक डाइवर्सिटी को देखें तो ये 35% ज्यादा इजाफा होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बेहतरीन कंपनीज में और कमजोर कंपनीज में। तो एथनिक डाइवर्सिटी की अगर 35% ज्यादा इजाफा होता है तो शायद इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे ही अपनाना चाहिए, सिर्फ इखलाकी बुनियाद पे नहीं डालना चाहिए। उस्मान जी, ये जानना चाहूंगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हैं, पर इसके क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर लोग कल्चरल डाइवर्सिटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप लेवल पे नहीं लगाएं? बिल्कुल, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता तो इसके बहुत सख्त मनफी असरात भी होते हैं, कॉस्ट भी होती हैं। आप देखें तो आम तौर पे अगर एक डिस्क्रिमिनेशन केस आता है किसी कंपनी के खिलाफ, तो वो उसकी आम कॉस्ट होती है $55,000 उसको सेटल करने में, $55,000, तो ये तो बहुत सख्त कॉस्ट हो जाती है अगर केस हो जाए। लेकिन जाती तौर पे भी जो लोग इसका शिकार होते हैं, आपके सामने जिन्होंने ये तकलीफ अपनी आम जिंदगी में भी देखी है, अपने काम में, वो
डिस्क्रिमिनेशन का शिकार अगर हुए हैं तो जो 70% वर्कर्स एक्सपोज होते हैं इस तरह के तासुबात पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, वो फिर टर्नओवर या एब्सेंटीज्म या लो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इजहार करते हैं। वो फिर या तो कोई और जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं या उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर होता है क्योंकि वो तकलीफ में होते हैं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जी उस्मान जी, आप तो नीति विशेषज्ञ हैं, आप शोध भी कर रहे हैं इसी विषय के ऊपर, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके के कानून हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को लागू करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर हैं तो क्या हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं और क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एक खास कानून जो है वो नहीं मिला जाता, जो कि दूसरे ममालिक में अमेरिका की तरह नजर आता है। उसको कहते हैं एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन डाइवर्सिटी। तो हर कंपनी जिसके 100 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको एक रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है कि उनकी डाइवर्सिटी के क्या प्रोग्राम है। यूनाइटेड किंगडम में भी एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज को बताती है कि यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डाइवर्सिटी के लिहाज से, और इस किस्म की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं की गई कवानीन में। इसकी सख्त जरूरत है। तो जो सबसे अहम डाइवर्सिटी रिपोर्ट होती है प्राइवेट कंपनीज और इन इदारों की, उनको जरूरत है कि वो बताएं कि उनके डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स क्या हैं, क्योंकि अगर इनको ये नहीं किया जाता तो फिर उनको उस टाइप का प्रेशर, उस टाइप का दबाव नहीं नजर आता कि वो अपनी डाइवर्सिटी को इनहेंस करें, क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उनके पास। जी, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो रेशियल बायस है, अभी ये जो है तासुबात है नस्ल परस्ती के, वो बहुत सख्त हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले 12 महीनों में, और ये 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक है, पिछले 12 महीने में 15% ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन्होंने किसी किस्म का नस्ल परस्त तासुबात का शिकार हुए हैं, 15%। चलते चलते उस्मान जी, तीन चीजें ऐसी जो बदल सकती हैं पूरी परिस्थिति। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इसमें कि ऊपर तो लीडरशिप पे बहुत सख्त जरूरत है कि वो इस नजरिए से देखें किस तरह चीजें बदलनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ सिस्टम्स भी बदलने चाहिए, आपके डेटा, आपकी रिपोर्ट्स, आपके सिस्टम्स और प्रोसीजर्स, उसमें भी काफी चीजें बदलनी पड़ेंगी पॉजिटिव तरीके से। और इसके साथ साथ जब ये दोनों चीजें होंगी तो फिर कल्चर पे भी काम करना पड़ेगा, बायस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इस टाइप के जो है प्रोग्राम्स, वो कल्चर पे। और आपको पता है कि कल्चर सबसे मुश्किल से तब्दील होता है। लीडरशिप तो आप बदल सकते हैं, सिस्टम्स भी आहिस्ता आहिस्ता बदल ही जाते हैं, लेकिन कल्चर सबसे खास चीज होती है। अगर आप लीडरशिप, सिस्टम्स और कल्चर को देखें साथ साथ, तो फिर वो तब्दीलियां आराम से आती हैं। और इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको एक पर्सनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव समझें। और इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि रेशियल डाइवर्सिटी में तो ये जरा मुश्किल होता है, लेकिन जेंडर डाइवर्सिटी में ये नजर आता है। तो जब पर्सनल स्टेक होता है लीडरशिप का, तो फिर सिस्टम्स और कल्चर बदलना ज्यादा आराम से होता है। उस्मान जी, SBS हिंदी में अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अमित साहब।